You are watching JK News. धन्यवाद।
बहुत सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। मेरे कैसी टीम में थी और जो इस मंडल ने काम किया है, मेरे को बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं आता। डर था, खौफ था, घर से बाहर नहीं हो सकता, वहां से गोली आएगी, कौन मार देगा, ये कैसे आदमी के साथ रहते हैं। हमारे जो शहीद हुए हैं, जम्मू कश्मीर की जो धरती है वो शहीदों की धरती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से अगर हम इन प्रोग्रामों को नहीं करेंगे, डायरेक्टर साहब, ये जो बच्चे यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम किए, इनके जहन में भी ये बैठा है कि एक शहीद की पहचान क्या होती है, एक शहीद का दर्जा क्या होता है। इससे यहाँ हमारे ज्ञानी देव साहब जो है, ब्रिगेडियर कमांडर जो रिटायर हुए हैं, वो यहाँ भी बैठे बाहर गए हैं, क्योंकि इनके दौर में ये सिलसिला उनसे तब से 20-25 साल से चला आ रहा है। खासकर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, जिनकी बदौलत हम ये यहाँ सेंटर में है, गिरदोबा में पूरा इलाका इनके जो है इर्द गिर्द पड़ता है। जिस वक्त अच्छा हुआ मैं सामने था, जिसम नींद था, हमारे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर छात्रों के सामने था, दिन का टाइम था और एक दरवाजे पर इन्होंने ऐसे लात लगा करके मिलिटेंट को मारना चाहा और आगे से प्रश्न लगे, उसी दरवाजे में ये शहीद हो। छब्बीसवां जो है मार्टियर्स डे इन द मेमोरी ऑफ मेजर रोहित शर्मा जी के नाम से यहां पर जो मनाया गया और आज उनको जो है श्रद्धांजलि पेश की गई। उनके साथ जितने भी जवानों ने, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, चाहे वो CRPF के हैं, चाहे पुलिस के हैं या इंडियन आर्मी के हैं, उन सबको जो है श्रद्धांजलि पेश की गई है। और वतन पे जिन जिन लोगों ने आज तक अपने प्राणों की आहुति दिया, हमने उन सबको जो है नमन दिया है और उन सबको याद किया है। और हमने ये प्रयत्न किया है कि जिस तरीके से आज तक इन शहीदों ने अपने वतन के लिए प्राणों की आहुति दी है, तो हमारा बच्चा बच्चा जो है अपने वतन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आज का जो दिन ये मनाया गया है, सेलिब्रेशन किया है, ये शहीद मेजर रोहित मेमोरियल जो NGO है उसकी तरफ से आज का दिन सेलिब्रेट किया गया है। आज मेजर रोहित शर्मा की 26वीं एनिवर्सरी थी और इसमें सभी लोगों ने, मंडी से आए हुए और डिफरेंट स्टेटों से, अलग अलग स्टेटों से, गुजरात, UP, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, काफ़ी स्टेटों से और दुबई से भी कुछ लोग आए हुए थे, जिन्होंने आज सभी जवानों को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, CRPF, इंडियन आर्मी और सभी जिन जवानों ने, ऑफिसरों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उनको श्रद्धांजलि आज पेश की गई। मकसद क्या? मकसद ये है कि हमारा यही मैसेज जाना चाहिए आम लोगों के बीच में, ताकि जो भी बेल्ट फोर्स से ताल्लुक रखता है, जो देश के लिए रक्षा करता है, जो हमारी सरहदों पे रक्षा कर रहे हैं, और वो लोग जब शहीद होते हैं तो हमें दर्द महसूस होता है।